ए चाय वाले, एक स्पेशल चाय बनाना। अरे ये इतने लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं और इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? अलग अलग शहर से टीम्स दही हांडी फोड़ने जा रही हैं। हंडी में 50 लाख रुपए है और पुरपुरी नगर की कोई टीम नहीं है। हमारे मेयर बहुत दुखी है। अगर हमारी कोई टीम ये 50 लाख रुपए जीत के लाके देती तो मेयर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल के देती। अरे फिर तो हमें भी अपनी टीम बनानी चाहिए ताकि हम 50 लाख जीत के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा सके। चलो हम भी दही हंडी फोड़ेंगे। हंडी फोड़ने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वेरी गुड। मैं मेयर साहब को अब भी कवर करके आता हूँ। तब तक तुम सब टीम बनाओ और प्रैक्टिस शुरू करो। बॉक्सर भैया, तुम मोटू और जितने तगड़े लोग हो वो नीचे रहो ताकि ऊपर जो है उनका वजन संभाल सको। और हाँ, कम वजन वाले लोग ऊपर जाएंगे। चलो दोस्तों शुरू हो जाओ। हाँ हेलो। हाँ जी। नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई बात नहीं। अरे अरे आप भी ना। नहीं नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ। बहुत हंसाया। वाह भैया वाह। क्या किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था, लेकिन बड़ा मजेदार आदमी था। अरे बहुत दिनों बाद मैं इतना ज्यादा हंसा हूँ। और बहुत दिनों बाद तुम इतना रोगे। बार तुम टीम से बाहर नहीं जाओगे। पिछली बार तुम बाहर निकल गए और सब नीचे गिर गए। ओके सॉरी सॉरी। अरे ये फोन फिर से बज रहा है। अगर फोन लेके बाहर गया तो पतलू गुस्सा करेगा, लेकिन अंदर तो बात कर सकता हूँ। हेलो। अरे आप फिर से। अरे आपकी बात सोच के ही मुझे बहुत हंसी आ रही है। नहीं क्या? अरे पूरी नगर में दही हंडी और हंडी में 50 लाख कैसे चोरी करो, कैसे चोरी करो? बस बस, हम उसे चोरी नहीं कर सकते। वो बहुत ऊपर लटकी है, उस तक पहुंचने के लिए कई लोग चाहिए और हम तो सिर्फ 2.5 लोग हैं। 2.5। नीचे झुको, नीचे झुको, मेरा मजाक उड़ाते हो। मैं वो बला हूँ जो पत्थर को शीशे से काटता हूँ। डॉक्टर झटका के पास एक ऐसी चीज है जो हमारे काम आ सकती है। चलो पहले वो चोरी करते हैं। दोस्तों, अलग अलग शहर से जो टीमें यहाँ आई हैं, मैं उन सब का यहाँ स्वागत करता हूँ। दही हांडी में 50 लाख रुपए रखे हैं। जो जीता रुपए उसके। प्रतियोगिता शुरू की जाए। हांडी फोड़ना इतना आसान नहीं है यार। आसान तो नहीं है, लेकिन हमें फुरफुरी नगर के गरीब बच्चों की स्कूल के लिए हांडी फोड़नी ही होगी। अब फुरफुरी नगर की टीम का नंबर है। मोटू पतलू अपनी टीम के साथ आ जाए।
मोटू तुम नीचे नहीं रहोगे, तुम सबसे ऊपर रहोगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहीं फिर से बाहर निकल के फोन पे बात करने लग गए तो? और अगर ऊपर फोन आ गया तो? सबके ऊपर बैठ के फोन पे भी बात करोगे तो नीचे वालों को कोई खतरा नहीं। मोटू जल्दी आओ। नहीं, वो बहुत ऊंचा है, मैं वहाँ तक चढ़ नहीं पाऊंगा। अरे माँ पतलू, अगर मोटू चढ़ेगा नहीं तो हम कब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? आइडिया, मोटू मैंने दही हांडी में समोसा रखा है, जाके ले लो। क्या समोसा? मोटू क्या कर रहे हो, हांडी फोड़ो जल्दी। अरे पहले समोसा तो निकाल लूं, वरना नीचे गिर जाएगा। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। मैं चला दही हांडी लेकर, तुम सब घर पे जाके करो आराम। मेरा समोसा तो निकाल लेने दो। पतलू ने कहा था ऊपर बैठ के फोन पे बात कर सकता हूँ, इससे नीचे वालों को कोई खतरा नहीं है। हेलो मोटू हियर, आप कौन? क्या 2-3-3 रात गोवा में फ्री? एक मिनट, मैं अपने दोस्त से पूछ के बताता हूँ। अरे पतलू, 2-3 रात गोवा फ्री घूमने का ऑफर मिल रहा है, चलोगे? तुम फिर फोन पे बात कर रहे हो, रस्सी किसने पकड़ी है? किसी ने नहीं। फोन वाले को नहीं छोड़ूंगा, जब देखो फोन कर करके परेशान करता है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसे मार मार के उसका भरता बना दूंगा। फिलहाल तो हम तुम्हारा भरता बनाने वाले हैं। अरे रुक जाओ, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। वो देखो कार में आग लग गई है और जॉन भी पैराशूट से कूद चुका है। हम अभी भी उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन हम झील के इस पार हैं और वो उस पार गिरेगा। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ करो। आइडिया, अगर हम उस पेड़ के ऊपर एक रस्सी बांध के उसे नीचे तक खींच ले तो काम बन सकता है, लेकिन रस्सी बांधे तो कैसे बांधे? मेरे पास एक आइडिया है। मोटू आओ पेड़ पे बैठ जाओ, फुरफुरी नगर के गरीब बच्चों के स्कूल का सवाल है। रस्सी छोड़ दो। मोटू जाओ और दही हांडी फोड़ो। मोटू ने हांडी फोड़ दी है। वाह क्या बात है। अरे जॉन ये पकड़ो, मैं जरा अपना समोसा ढूंढूं। मोटू ये क्या कर दिया, रुपए उसे दे दिए। अरे उसमें समोसा नहीं है, मैंने मजाक किया था। सॉरी, गलती हो गई। ए,
मोटू पतलू रुपए दे दो वरना मैं रस्सी छोड़ दूंगा और तुम लोग गिर जाओगे। ये रुपए फुरफुरी नगर के गरीब बच्चों के लिए है, तुम्हें नहीं देंगे। अरे तुम क्या रस्सी छोड़ोगे, जरूरत पड़ी तो हम खुद ही छोड़ देंगे, क्यों पतलू? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूरत पड़ी तो। ये क्या, रस्सी सचमुच छोड़ दी? मैंने कहा था जरूरत पड़ी तो, अभी क्या जरूरत थी? सॉरी सॉरी, मैं जोश में आ गया था। मोटू पतलू जिंदाबाद, जिंदाबाद।